तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या बिना सर्टिफिकेशन के डेस्कटॉप सपोर्ट में, टेक्निकल सपोर्ट में या बेसिकली आपका आईटी में करियर शुरू हो सकता है अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं होता है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं पहले ही कि आईटी की किसी भी प्रोफाइल में जाने के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है ना, जब वो बोलते हैं कि नहीं मुझे AWS सर्टिफाइड ही इंजीनियर चाहिए, तभी आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है आपको, वो पहले से वो मैंडेटरी बना के रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको क्लाउड में जॉब करनी है, लिनक्स में जॉब करनी है, नेटवर्किंग में करनी है, डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, सर्विस डेस्क, अगर किसी भी प्रोफाइल में आपको जॉब करनी है ना, तो ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदाउट सर्टिफिकेशन के आज वो अच्छी खासी पोजिशन पर जॉब कर रहे हैं। कई बार कंपनीज मैंडेटरी कर देती नहीं कि मुझे लिनक्स सर्टिफाइड इंजीनियर ही चाहिए या मुझे इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्टिफाइड इंजीनियर ही चाहिए, मतलब जो IoT पे काम करते हैं। तो अगर वो मैंडेटरी कर रखा तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर आपने BA किया है, BSc किया है, तो वहाँ पे अगर आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, तो आप डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट की प्रोफाइल में या सर्विस डेस्क, टेक्निकल हेल्प डेस्क, एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल में आप आराम से जा सकते हो, आप इजीली जा सकते हो। उसके लिए किसी भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बट इसलिए सिर्फ बोलते हैं या इसलिए सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए बोलते हैं ना, कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, किसी ट्रेनिंग कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक बेसिक इनिशियल लेवल का आपको सिखा देते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसे निकलेगा, आप स्टार्टिंग में काम को हैंडल कैसे करोगे, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे सिखा देते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इस वजह से लोग बोलते हैं कि नहीं भाई सर्टिफिकेट ले लो, ट्रेनिंग कर लो, ताकि आपको इंटरव्यू में वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, या जब आप कंपनी में एंट्री कर जाते हो तो आपको वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े कि बाद में आपका टर्मिनेशन हो, वहाँ से फायर्ड हो। बट इन द लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप करना चाहते हो IT में, तो फिर वहाँ पे किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। एक इनिशियल लेवल पे जब आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, तब हो सकता है कई बार वो मैंडेटरी कर देते हैं, या कई बार आप अपने से सोचते हो कि नहीं मुझे क्लाउड पे जाना है या मुझे IoT पे काम करना है, तो चलो एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो वो एक डिफरेंट थिंग्स है। बट ऐसी कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी सर्टिफिकेट की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।